स्थानीय सूचना के आधार पर लगातार हम लोग अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन चला रहे हैं, और इसी क्रम में कल सूचना मिली थी कि जगरगुंडा के आसपास के इलाकों में एक बड़ी टीम जो है नक्सलियों की, जिसमें काफ़ी सारे हथियार वाले हैं, वो भी आसपास में घूम रही है। और इसी के तहत हम लोगों ने एक प्लान बनाया था जिसमें DRG, CRPF 223 और कोबरा 201 की पार्टियाँ शामिल थीं। सभी पार्टियाँ रात में अपने अपने इलाकों से निकली थीं, और आज सुबह सुबह जब हमारी DRG की पार्टी सर्च कर रही थी तो उनके ऊपर में नक्सलियों का काफ़ी हैवी फायर आया। इसका जवाब हमारी पार्टियों ने भी फायरिंग से दिया, और लगभग 2 घंटे की मुठभेड़ चली है जिसमें काफ़ी हैवी फायरिंग हुई है। उनके साइड से बम वगैरह भी, जो देसी बम है, वो भी दागे गए थे। और 2 घंटे की मुठभेड़ के बाद जब नक्सली इलाके को छोड़ के भागे तो सर्चिंग करने पर हमको वहाँ से 4 पुरुष नक्सलियों का शव मिला है, जिसमें से 2 यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और 1 .303 वेपन है और 3 कंट्रीमेड राइफल्स मिले हैं। और जैसा फील्ड से सूचना मिली है उसके हिसाब से काफ़ी और नक्सलियों के घायल होने की खबर है, जिसमें काफ़ी ऑटोमेटिक वालों को अपने साथियों के द्वारा उठाकर ले जाते हुए देखा गया है। मौके से काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सामान भी बरामद हुआ है, तो अंदाज़ा यही है कि कम से कम 40 से 50 की पार्टी वहाँ रही होगी, और प्लाटून जो रहता है उस एरिया में उसके होने की संभावना है। सर ये पार्टी कब निकली थी सर? पार्टियाँ कल रात में जगरगुंडा कैंप से निकली थी, और अभी पार्टियाँ क्योंकि लौटी नहीं हैं तो जो भी विस्तृत और जानकारी है वो पार्टियों को लौटने के बाद मिल सर कोई पाएगी। बड़े नक्सली लीडर होने की सूचना थी सर? उस आसपास में सूचना तो मिल रही थी कि बड़ी संख्या में है, लेकिन लीडर के बारे में कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। पर जो फायरिंग जिस हिसाब से हुई उस हिसाब से लगता है कि जो जगरगुंडा ये कमेटी के बड़े लीडर्स हैं वो, उनकी प्रेजेंस होगी और प्लाटून का भी वहाँ पे उपस्थिति हो सकती है। सर जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सर वो कुछ नहीं इसी पे नक्सल आज जमाने सूचना लोकल सोर्स से हमको सूचना मिली थी कि वहाँ पे नक्सलियों का जमावड़ा है और वो आसपास के ग्रामीणों से राशन वगैरह भी इकट्ठा करा रहे थे, तो इसी सूचना पे प्लान किया गया था।